बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलों की बात वसीम खान के साथ। नाज़रीन, आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान तीसरे और आखिरी टेस्ट का दूसरा दिन था। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग स्टार्ट की और 391 रन पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। चार विकटें नसीम शाह ने ली और चार ही विकटें शाहीन शाह अफरीदी ने ली। एक विकेट साजिद के हिस्से में आई और एक नौमान के हिस्से में। इस तरह उनके 391 रन बना के पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग शुरू की तो आगाज में ही इमाम उल हक का पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, जो कि 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद अजहर अली और शफीक अहमद ने टीम को संभाला और खेलते खेलते बिल आखिर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे और अच्छा खेल पेश किया। इधर कोशिश करते रहे ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी तरीके से अजहर अली शफीक अहमद को आउट कर दें, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और आखिरकार पाकिस्तान अच्छा खेलते हुए दिन के आखिरी हिस्से में बिल आखिर 90 रन की इनिंग उन्होंने खेली दोनों ने और इस तरह इस दिन का भी इख्तिताम हुआ। एक विकेट पाकिस्तान ने गिरी थी इमाम उल हक, जो कि 11 रन बनाकर आउट हुए। नादिन, ये थी दूसरे दिन की अपडेट। हम आपको इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो तीसरा और आखिरी टेस्ट चल रहा है इस पर अपडेट करते रहेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स का मैं इंतज़ार रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि गाना में आप ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आइंदा की अपडेट के लिए कल का इंतज़ार कीजिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।